हेलो फ्रेंड्स, लबाबदार किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अमर और आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का परांठा। गोभी का परांठा बनाने के लिए मैंने यहां पर ये एक फूल गोभी का लिया था, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके और उसको पहले सुखाया है। आप गीला कभी भी कद्दूकस नहीं कीजिए, क्योंकि जब भी हम गीला गोभी को कद्दूकस करके परांठा बनाते हैं तो वो परांठा जो होता है हमारा ख़राब बनता है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारा गोभी है वो पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर उसके बाद उसे सुखाना है, और सूखने के बाद फिर हम उसे कद्दूकस करेंगे, नहीं तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे रेडी करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपने रात को वॉश की है और वॉश करने के बाद उसे सूखने के लिए रख दें, ताकि सुबह आप रेडी कर सकें, आराम से इजली रेडी कर सकें परांठा। तो मैंने ये जो है गोभी ली है, एक फूल गोभी का था जिसे मैंने क्रश किया, और उसके बाद मैंने ये एक प्याज लिया, बड़ी प्याज। आप अपने उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको प्याज कम चाहिए। और ये मैंने यहाँ पर लिए एक चम्मच नमक, थोड़ा सा मैंने आधी चम्मची मैंने हल्दी पाउडर ली है, और ये आधा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर, और ये गरम मसाला आधा चम्मच, और आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है। ये भी मैं सब इसमें ऐड करूँगी मसाले। अब हम इसमें ये धनिया जो मैंने फ्रेश धनिया है ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ये सब हम मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है या इसमें अभी मिर्ची थोड़ी और होनी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सब मिक्स हो गया। अब हम इसे करेंगे साइड में, और ये मैं ले लिया है चकला बेलना। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रेडी करना। और ये मैंने आटा लिया है, ये आटा जब मैंने गूंदा था तो उसमें मैंने नमक और अजवाइन ऐड किया था, और आटा जो है हमारा, जब भी हम आटा गूंदेंगे तो उसे थोड़ा पूरी, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं वैसे ही हम थोड़ा ये हार्ड वाला आटा गूंदेंगे, ज़्यादा गीले वाला आटा नहीं गूंदेंगे, क्योंकि गीला होने से हमारा जो परांठा है वो ख़राब होगा। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आटा जो है हमारा वो गीला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड वाला रहना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं हो। तो ये देखिए, ये मैंने आटा जो गूंदा था इसमें नमक और अजवाइन डाला है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये मैंने पेड़ा लिया है, ये देखिए ऐसे मैंने ये पूरा अच्छे से फिल किया। इसके बाद मैं ये ऊपर से इसे ऐसे प्रेस कर दूंगी। ये देखिए ऐसे, ये हमारा हो गया। इसे हल्का सा ऐसे करेंगे प्रेस, और ये आटे में लगाकर हम बेलेंगे इसे। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ज़ोर लगा कर नहीं करना, नहीं तो कई बार हम ज़्यादा ज़ोर लगा के करते हैं तो भी ये फट जाता है। आटा थोड़ा लगाएंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा परांठा, ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर डाला। अभी ये मैं मतलब परांठा बनाने के लिए, गोभी परांठा बनाने के लिए देसी घी ले रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं आप वो भी ले सकते हैं, पर मतलब कि देसी घी वाला आप बनाकर देखें, बहुत अच्छा लगता है देसी घी का परांठा। तो आज मैं देसी घी से ही बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से सेकना है। ये देखिए,
ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से हम घी लगाएंगे और दोनों साइड से इसे अच्छे से करेंगे, कच्चा नहीं रहना चाहिए। मैं गैस अभी तेज की है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गोभी परांठा रेडी है, आप भी ऐसे ही बनाइए और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको हमारा गोभी का परांठा कैसा लगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है और उनके मुंह में पानी भी आ रहा है। तो ये देखिए हमारा गोभी परांठा रेडी है, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आप भी बनाइए और ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसे चाहे तो ये बटर के साथ और ये चटनी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। गोभी का परांठा चटनी के साथ आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो और अगर आपको ये चटनी का भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू।